We never follow the most gracious and most merciful. Good morning, my dear teachers and fellows. Assalamu alaikum. Now the day is registration. This is Audio Quran. I would like to invite Abdullah Tahseen and Abdullah Shehbaz for registration of the Holy Quran. कुरान से मोहब्बत तो सब करते हैं, कुरान से मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन भाग्य वो जो इसकी तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ بہت ہلاک ہو گیا ما أغنى عنه ماله وما كسب نہ تو اس کا مال اس کے پاس کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس میں سمایا سیسلا نارا ذات لہب وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حملت الحطب اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے فی جیدھا حبل من مسد उसके गले में मौत की रस्सी होगी। इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम ऑन द डे आई वुड लाइक टू इनवाइट अब्दुल आसिफ फॉर नाउ। नबी का आस्थान और मेरा सर हो तो क्या कहना, नबी का आस्थान और मेरा सर हो तो क्या कहना, दम आहिर अगर ऐसा मुकद्दर हो तो क्या कहना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल وسلم عليك يا حبيب الله حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں میری ہے
Next item of the day is dua. I would like to know the zafa for dua. जो आंसू अल्लाह के आगोश में बहाए जाते हैं, जो आंसू अल्लाह के आगोश में बहाए जाते हैं, उनका बर्फ वो कभी नहीं तोड़ता। يبقى قولي رب زدين ما هذا ما يلمن رفر ما آمين. Next item of the day is dua al-qunut. I would like to know the meaning for dua al-qunut. इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخلو ونترك من يرجوك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهم. Last item of the day is message. I would like to know the music for the message. Assalamu alaikum students. कैसे हो सब बच्चे? रमजान कैसे जा रहा है सबका? बेटे क्योंकि रमजान जा रहा है तो मेरा मैसेज भी रमजान के हवाले से ही होगा कि हम लोग सब रोजे से होते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे भी रोजे में होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता, और टीचर्स ने भी रोज़ा रखा होता है। लेकिन अक्सर मैंने बच्चों के मुँह से ये कलमात सुने हैं कि रोज़ा रख के झूठ बोल रहे हो, रोज़ा रख के ऐसे कह रहे हो, रोज़ा रख के ऐसे कह रहे हो। मतलब हम लोग खुद ही खुद को डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ रोज़ा रख के मुसलमान बनते हैं या रोज़ा रख के ही हम लोग नेकी या अच्छाई का काम कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर मी, ऐसा तो नहीं है ना? हम लोग तो पूरा साल वही रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज वही रहते हैं, हम लोग वही रहते हैं, तो फिर नेकी का काम सिर्फ और सिर्फ रमजान के लिए क्यों? इसका मतलब है कि जो कहा जाता है कि शैतान को बांध दिया जाता है, तो हम लोग शैतान के इस कदर पैरवी कर रहे हैं कि जो 11 महीने वो आज़ाद रहता है, हम लोगों ने उसकी पैरवी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक महीना जिस महीने में अल्लाह ताला ने उसको बंद कर दिया, कैद कर दिया, बस उसी महीने में हमने नेकी का काम करना है। आप लोग इस महीने में अपनी जो भी रूटीन बना रहे हैं नमाज के हवाले से, नेकी के हवाले से, या फिर मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है वो एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे, बिल्कुल भी जो गंदे लफ्ज आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे इससे पहले जो सुनने को आते थे वैसा नहीं हो रहा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है काइंडली, अभी जो आप लोगों का बिहेवियर है थ्रू आउट द ईयर यही रहना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा बना लें। सिर्फ रमज़ान या जुमा या रोज़े के हवाले से, या फिर अभी अभी नमाज़ पढ़ के आए हो तो झूठ मत बोलो और गंदे काम मत करो, ये वाला जुमला अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अपनी पर्सनैलिटीज़ को ऐसे डेवलप करें कि सब देखने वाले बोलें कि हाँ भाई ये एक अच्छा मुसलमान है और अच्छे मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता है। शुक्रिया। Next item of the day is hadith. I would like to know some hasanat nawaz for hadith. हजारों नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले, हजारों नामुकम्मल हसरतों के बोझ तले, ये जो दिल दरकता है कमाल करता है। बेशक लिबास एटम ऑफ द डे नेशनल एंथम। I would like to invite Abdulrahman Roop, Rehan Chaudhary and Azan for National Anthem. जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन इस्लाम करे।
Thank you, students. Have a nice day. Go to class one by one.